आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग राकेश चतुर्वेदी उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड की सुंदर वादियों में आप लोगों के साथ रूबरू एक बार और रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो देखते हैं इन वादियों के खूबसूरत नज़ारे। देखें, पहले तो सबसे पहले मेरा घर और घर के चारों तरफ फॉग, ये देखें बहुत ही सुंदर। हल्की हल्की ठंड हो रही है और ये देखें ये अपनी फार्मिंग है, पूरी वेलें लगी हुई हैं, ये परमल की पेड़ है। और ये देखें ये मेरा घर, ये ऊपर से वेलें आ रखी हैं, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन, ये नीचे से वेल आ चुकी हैं। और ये मेरा घर और घर के चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा। और अब चलते हैं नीचे की तरफ और अपनी कुछ फल सब्जियाँ तोड़ते हैं। ये बैक साइड का गेट है, यहाँ से निकल चुका हूँ मैं आगे की तरफ। और ये देखें यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, ये यहाँ की गुदड़ी बोलते हैं इसे, लंबी सी हो रही है ये, ये उसकी बेल है। यहाँ बहुत सारी होनी है, फूल लगे हुए हैं। और ये छल्ली, अरे देखें टंकी के ऊपर भी जा चुके हैं ये सारी बेलें। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखें छल्ली की खेती हो रखी है यहाँ पे। मेरे पेड़ दब चुके हैं, ये देखें छल्ली के पेड़ झुक चुके हैं नीचे को। और देखते हैं क्या क्या हो रखा है यहाँ पे, पहले उतरते हैं, गिरने का बड़ा खतरा है यहाँ पे, पहले उतरते हैं नीचे को। अब घर के नीचे आ चुका हूँ और ये घर के नीचे का नज़ारा। और ये मेरे बैंगन के पौधे हो रही है नीचे, खेती हो रखी है बैंगन की छोटी छोटी, ये देखें ये बैंगन लगे हुए रेड रेड। और ये है बैंगन की बहुत सारे पेड़ और यहाँ लगे हुए बैंगन नीचे, और बड़े बड़े बैंगन हैं, अभी तोड़ेंगे इनको दिखाएंगे आपको। ये बैंगन की खेती, ये देखें जनजीवन बड़ा खतरनाक है, ये देखें ये भिंडियाँ हैं जितनी है, देख रहे हैं यहाँ पे सब भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये भिंडी है बीच बीच में और वहाँ तक है, एक एक दो दो पेड़ लगा रखे हैं। और ये मिर्च है, तो ये मिर्च लगनी शुरू हो गई यहाँ पे। नीचे की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले घिया दिखाते हैं आपको। ये लगा हुआ घिया, ये देखें ये होते हैं घिये, अंदर की तरफ लगे हुए हैं, ये सब हटाने पड़ते हैं झाड़ियाँ, यहाँ बहुत सारे घिये लगे हुए हैं। देखें घिये बहुत ज़्यादा हैं, तादाद इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये घिये की बेल होती है अपनी। और ये जब भी हम ऊपर से देखते हैं पॉली हाउस, आज पास में आके दिखाया आपको, और ये भी नीचे तक है अपनी फार्मिंग पूरी। ये दाल है, ये दाल की खेती है, दाल होगी और दाल भी भरपूर मात्रा में है, वो वहाँ तक है, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ तक। नीचे की तरफ जा रहा हूँ जो वहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है दाल की खेती, ये होती है दाल ये। पर यहाँ चलना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ चारों तरफ दाल ना टूट जाए। और ये आ चुका है मिर्च के खेत में, ये देखिए ये होती है मिर्च, देख रहे हैं ये मिर्च लाल हो चुकी हैं। और यहाँ मिर्च अलग अलग तरह की हैं, ये मिर्च यहाँ पे
कुछ बारीक हैं, थोड़ी और मोटी हैं, कुछ और मोटी हैं और कुछ शिमला मिर्च जैसी भी हैं। बहुत मुश्किल है मम्मी के लिए यहाँ पे रहना। ये देखें, मिर्च का पेड़ पूरा झुक चुका है और ये नीचे टमाटर गिरे पड़े हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप, बरसात इतनी तेज हो रही है कि सारे टमाटर गिर चुके हैं। और ये है अपनी दाल और के बीच में मिर्च के पेड़ हैं। और फिर दोबारा हम घिया, लौकी की बेल यहाँ बहुत बड़ी है, यहीं से तोड़े थे 35-40 किलो लिए तोड़े थे पीछे रखे हुए हैं, अभी देखेंगे उन्हें। और पहले इसमें घिया देख लेते हैं कहीं लगा तो नहीं हुआ। यहाँ घिया तो नहीं है पर यहाँ बीज के लिए घिया छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के घिये परसों तोड़ लिए थे सारे। पर जो बीज के लिए अगले साल बीज लगाना जिन घियों का, घिया दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा है। ये देखें पूरे आधे हाथ से ऊपर का घिया है ये जो आप देख रहे हैं। ये बीज के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे घिया। ये दाल की खेती है पूरी, ये वहाँ तक इस खेत में, और इस खेत में पूरी ये दाल निकलनी है और ठीक वहाँ है हमारा घर। सूर्यदेव के दर्शन भी करें। और देखो रास्ता ऐसे बनाना पड़ता है, यहाँ यहाँ पे जगह खाली मिलेगी वहीं पांव रखना है, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा और अगले दिन से आपको खेत में आने नहीं दिया जाएगा। ये देखिए बोले खेत में आ चुके हैं, इसमें भी पूरी भरा पड़ा खेत। और ये ओलियोस वाले खेत में आ चुके हैं और यहाँ पे घिया तोड़ के रख गया था मैं, घिया उठाते हैं। देखें ठीक सामने 4-5 ये और हैं यहाँ अंदर। ये गाइस पॉली हाउस के अंदर का नज़ारा, ये देखें यहीं से ही मिर्चें दिखनी भी लाल हो गई है। और ये मिर्चों के साथ साथ ये शिमला मिर्च भी बीज के लिए तैयार हो गई है देखें। और ये हरी शिमला मिर्च भी लगी हुई है, शिमला मिर्च बहुत सारी हैं। ये देखें शिमला मिर्च है पूरी यहाँ तक नीचे। और इसके बाद ये जो पेड़ हो रहे हैं, ये पेड़ से लग रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये सारे मिर्च के हैं। ये हरी, ये लाल होती जा रही है, जो पहले की लाल हो रही है। और ये देखें पूरी मिर्च का है यहाँ पे पूरा, इस बार पूरा भरा पड़ा है मिर्च से। है बहुत बड़ा यहाँ पे भी, सीधी करने वाली हो गई है क्योंकि मिर्चें बहुत सारी हैं। ये देखें सीधा करना पड़ेगा, इन्हें थोड़ा सा झुक रही है। और ये तोड़ते हैं अब शिमला मिर्च और मिर्च फिर आपको दिखाते हैं। गाइस जितनी सब्जी थोड़ी है भी थोड़ी सी, अभी नीचे से बैंगन लाने हैं, अभी बैंगन लेके आएंगे और फिर थैलों में डालेंगे ना। गाइस फाइनली मूली निकाल दी है खेत से, और ये है मूली और इसे कहते हैं यहाँ का मूला। यो ये देखें ये है
बैंगन ये भी निकाले हैं थोड़ा थोड़ा करके सारा, कुछ मार्केट में जाएगा कुछ दिल्ली लेके चलेंगे। तो ये हमारी मम्मी, ये मम्मी की मेहनत है इस बार। माँ और सेकरा भाई ने इस बार कमाल कर रखा है। और ये हमारे रात के शेर खान, यहाँ रात को जागे रहते हैं और दिन भर सोते हैं। तो ये हैं शेर खान, ये हमारा जैक और ये है कोको। ये इसको तो थोड़ी सी हिलाओ तो ये उठने को तैयार हो जाती है। और ये पैकिंग होनी शुरू हो गई है। तो गाइस फाइनली मैं नीचे नदी में आ चुका था। मैं नदी के पास, मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ बनाता। सो गाइस मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। दिल्ली पहुंच के बिल्कुल रेस्ट वगैरह कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैंने कहा इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।